अस्सलाम वालेकुम। हम लोग निकले हैं कराची से कोयटा के लिए, और यहाँ गडानी रोड पे हमारा चालान हो गया क्योंकि ओवर स्पीड थी गाड़ी, उसकी वजह से अभी हम वेटिंग पे हैं। ड्राइवर साहब गए हैं चालान पे करने। अच्छा, यहाँ पे हमने रास्ते में स्टे किया है वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। अब हम रास्ते में रुके हैं चाय वगैरह पीने के लिए, और अभी तक इस ठंड स्टार्ट नहीं हुई है, कराची जैसा ही वेदर है, और हम बेला से आगे निकल चुके हैं। कुछ ऐसा स्टॉप है, ये रूम्स वॉशरूम वगैरह है। अच्छा, कोयटा जाते वक्त ड्राइवर ने हमें ये जगह दिखाई जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, पहाड़ों के बीच में ये पानी का मंजर। ये देखिए, ये ऑल द वे पानी जा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत। हाथ लगाएंगे ना भाग जाएगा। यकीन करें इतनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे कि मैं यहाँ वज़ू कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी जहाँ पे वज़ू का पानी जाता है,
उसमें बर्फ़ जम चुकी है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी सर्दी हो रही होगी। लुक ये देखें, तमाम पानी जो है वो बर्फ़ बन चुका है। तो यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है और अब कोयटा में तो इससे भी ज़्यादा होगी और आगे मस्तूम में उससे भी ज़्यादा होगी यकीनन। तो ये है कि हम तो आए ही सर्दी इंजॉय करने के लिए हैं, लेकिन ओ माय गॉड सीरियसली यहाँ तो पूरी बर्फ़ है। ये देखें, ये देखें, ये पूरी ये देखें, यहाँ पूरी बर्फ़ जमी हुई है। बहुत सर्दी है। गर्मियों में इन्हीं के अंदर पत्ते और फल आ जाएंगे।